दुनिया में लगभग हर देश के पास अपनी करेंसी है। ये करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी इनसे लेन देन और लगभग गुड्स एंड सर्विसेज के सारे काम चलते हैं। इन करेंसीज को गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और हर देश की करेंसी अलग होती है और इनके वैल्यू में भी अंतर होता है। एक देश की करेंसी उसके फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आइटम होती है। आपने इसे पहले भी हमारे चैनल पर करेंसी कंपैरिजन देखा होगा। आज फिर हम दो देशों की करेंसीज को कंपेयर करेंगे। इस वीडियो में हम इंडियन करेंसी को चाइनीज करेंसी से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों करेंसीज में किस तरह के अंतर है। आज के इस वीडियो में दोनों देशों की करेंसी से रिलेटेड बहुत पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री, रैंक, इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। जैसे इंडियन करेंसी को इंडियन रूपी कहा जाता है, वैसे ही चाइनीज करेंसी को रेनमिनबी कहा जाता है। चाइनीज करेंसी को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा साल 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं इंडियन रूपी इंडिया की ऑफिशियल करेंसी है। वैसे तो इंडियन करेंसी का इतिहास और इसकी शुरुआत बेहद पुरानी है। यहाँ कई राज्य और साम्राज्यों के अपने अलग सिक्के और करेंसीज थी, पर रिपब्लिक इंडिया के पहले कॉइन्स और बैंक नोट्स 15 अगस्त 1950 में इंट्रोड्यूस और इशू करवाए गए थे। नंबर टू, हिस्ट्री। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC के एरा में चाइना में कई तरह की करेंसीज को सर्कुलेट किया जाता था। इन करेंसीज को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे फबी, गोल्ड युआन और सिल्वर युआन वगैरह वगैरह। चाइना की ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी को द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा दिसंबर 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये करेंसी पेपर मनी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस की गई और इसके आने से सारी दूसरी करेंसी को इसे रिप्लेस कर दिया गया, पर ये पूरी तरह हर करेंसी को रिप्लेस नहीं कर पाए। कम्युनिस्ट कंट्रोल टेरिटोरीज में अलग करेंसी का इस्तेमाल होता था, जिसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बैंक नोट्स, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना नोट्स और पीपल्स नोट्स, पर ये सारी करेंसीज 1949 तक ही चली और फाइनली साल 1949 के जून मंथ से पीपल्स करेंसी यानी रेनमिनबी की शुरुआत हुई और ये चाइना की ऑफिशियल एंड फाइनल करेंसी बना दी गई। वहीं इंडियन करेंसी की हिस्ट्री तो एंशिएंट इंडिया यानी 6th सेंचुरी BCE से चली आ रही है। उस वक्त इंडिया दुनिया के कॉइन्स और करेंसी इशू करने वाले सबसे पहले देशों में से एक था। मौर्य एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर चाणक्य महाल ने भी अर्थशास्त्र में सिक्का और करेंसी के बारे में बताया था। इंडिया पर सालों ब्रिटिशर्स ने भी राज किया और इसीलिए इंडिया के करेंसीज के इतिहास में ये भी शामिल है। साल 1835 में इंडियन कॉइन्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर होती थी। 1865 के बाद इंडियन कॉइन्स पर क्वीन विक्टोरिया का नाम और उनकी तस्वीर छपने लगी। साल 1947 में भी इंडियन कॉइन्स पर किंग जॉर्ज VI की मोहर लगती थी। साल 1950 के बाद इंडियन इंडिपेंडेंट कॉइन्स इंडियन एम्बलम की मोहर के साथ प्रोड्यूस किया गया। साल 1957 से 1967 के बीच इंडिया में एल्यूमिनियम के 1, 2, 3, 5 और 10 पैसे कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। इससे पहले 50 पैसे और 1 रुपी कॉइन भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। 1968 में 20 पैसे कॉइन प्रोड्यूस किए गए। 1982 में 2 रुपीस कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया। 1992 में 5 रुपी कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। 1997 में 20 पैसे को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1998 में 10 पैसे और 2002 में 25 पैसे कॉइन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। साल 2011 में 25 और उसके नीचे के सारे पैसे कॉइन्स बंद कर दिए गए और कॉइन्स की न्यू सीरीज शुरू हुई, जिनमें 50 पैसे, 1, 2, 5 और 10 के न्यू डिजाइन कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए। 2016 में 50 पैसे बंद कर दिए गए। 6 मार्च 2009 को ये अनाउंस किया गया कि 1, 2, 5 और 10 के कॉइन्स को रीडिजाइन किया जाएगा और 20 का कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर 3, बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। चाइना के बैंक नोट्स में फिलहाल चाइनीज युआन 1, 5, 10, 20, 50 और 100 की नोट्स शामिल है और कॉइन्स में चाइनीज युआन 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.5 और 1 के कॉइन्स यहाँ यूज किए जाते हैं। वहीं इंडिया में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपीस के बैंक नोट्स फिलहाल फ्रीक्वेंटली यूज नोट्स में हैं। 1, 2 और 5 के नोट्स यहाँ रेयरली यूज होते हैं और कॉइन्स में इंडिया में 1, 2, 5 और 10 के कॉइन्स फ्रीक्वेंटली यूज है। नंबर 4, डेमोग्राफिक्स। चाइनीज करेंसी को ऑफिशियल यूजर सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना कंट्री है, और अगर बात करें अनऑफिशियल यूजर्स की तो इंटरनेशनली इसके अनऑफिशियल यूजर्स में मकाओ, अंगोला, बांग्लादेश, लाओस, भूटान, गाम्बिया, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, नेपाल, सेरा लियोन, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे शामिल है। वहीं इंडियन करेंसी के ऑफिशियल यूजर्स इंडिया, भूटान और नेपाल है और इसके अनऑफिशियल यूजर कंट्री जिम्बाब्वे है। नंबर 5, वैल्यू। अगर वैल्यू कंपैरिजन करें तो चाइना का 1 चाइनीज युआन इंडिया के 11 रुपए के बराबर है और एग्जांपल के लिए चाइना का 100 चाइनीज युआन यानी इंडिया के 1138 रुपीस है, यानी चाइना की करेंसी इंडिया के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएबल और स्ट्रांग है।
नंबर 6 रैंक। अगर मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज बाय वैल्यू की लिस्ट देखी जाए तो इस लिस्ट में चाइनीज करेंसी यानी रेनमिनबी 8th रैंक पर और इंडियन रुपी 16th रैंक पर है। इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर US डॉलर्स है। नंबर 7 लार्जेस्ट बैंक। चाइना का लार्जेस्ट बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICBC है। इस बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। ICBC में कुल 4,53,048 एम्प्लॉइज मौजूद है और इस बैंक का रेवेन्यू 105.4 बिलियन US डॉलर्स है। वहीं इंडिया का लार्जेस्ट बैंक मुंबई में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें कुल 2,49,448 एम्प्लॉइज मौजूद है। 2020 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेवेन्यू 52 बिलियन US डॉलर्स है। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो कौन से दो देशों की करेंसी के बीच देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।